ओम शांति। आज 7 सितंबर 2020 के मधुर महावाक्य है। आज की मुरली में बाबा कहे, बाबा अपने सबसे पुराने भक्तों को मिलने आए हैं और उन्हें भक्ति का फल देने के लिए आए हैं। भक्ति का फल है ज्ञान, और ज्ञान से सदगति होती है। दूसरी बात आज की मुरली में जो बाबा ने विशेष कही है, वो है कि बाबा के सामने कोई धर्म सम्मेलन होने वाला होगा। उस समय निमंत्रण आया था कि मनुष्य जीवन में धर्म की आवश्यकता क्या है। तो बाबा ने विशेष कहा कि उस सम्मेलन में अगर जाना है तो 5 मिनट बोलने के लिए कहें तो उसको कोई बोलना कहेंगे क्या? ज्यादा तो होना चाहिए। और उनको ये सृष्टि चक्र कैसे पूरा धर्मों का बना हुआ है, या झाड़ सभी धर्मों का, धर्मों की ट्यूब्स कैसे निकलती है, तो बाबा कहे ये उन्हों के सामने आईना है, ये रखो और उनको समझाओ। आज बाबा ने अलग अलग धर्मों की बात को लेकर के समझाया है। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम पुराने भक्तों को भक्ति का फल देने। भक्ति का फल है ज्ञान, जिससे ही तुम्हारी सदगति होती है। आज की मुरली का प्रश्न है, कई बच्चे चलते चलते तकदीर को आप ही शूट करते हैं, कैसे? उत्तर है, अगर बाप का बनकर सर्विस नहीं करते, अपने पर और दूसरों पर रहम नहीं करते, तो वह अपनी तकदीर को शूट करते हैं, अर्थात पद भ्रष्ट हो जाते हैं। अच्छी रीति पढ़े, योग में रहे तो पद भी अच्छा मिले। सर्विसेबल बच्चों को तो सर्विस का बहुत शौक होना चाहिए। आज की मुरली का गीत है, कौन आया सवेरे सवेरे। ओम शांति। रूहानी बच्चे समझते हैं हम आत्मा है ना कि शरीर, और यह ज्ञान अभी ही मिलता है परम पिता परमात्मा से। बाप कहते हैं, जबकि मैं आया हूं तो तुम अपने को आत्मनिश्चय करो। बाबा आते ही सबसे पहले आत्मा का पाठ पक्का कराते हैं। तो बाबा कहे, तुम अपने को आत्मनिश्चय करो। आत्मा ही शरीर में प्रवेश करती है, एक शरीर छोड़ दूसरा लेती रहती है। आत्मा नहीं बदलती, शरीर बदलता है। आत्मा तो अविनाशी है। तो अपने को आत्मा समझना है, यह ज्ञान कभी कोई दे न सके। बाप आए हैं बच्चों की पुकार पर, यह भी किसको पता नहीं है कि यह पुरुषोत्तम संगम युग है। बाप आते ही है पुरुषोत्तम संगम युग पर। तब बाबा हमें भी बताते हैं कि ये समय है पुरुषोत्तम संगम युग, बाकी दुनिया में तो किसी को पता ही नहीं। बाप आकर समझाते हैं, मेरा आना होता है कल्प के पुरुषोत्तम संगम युग पर, जबकि सारा विश्व पुरुषोत्तम बनता है। इस समय तो सारा विश्व कनिष्ठ पतित है, उसको कहा जाता है अमरपुरी। यह है मृत्यु लोक। मृत्यु लोक में आसुरी गुण वाले मनुष्य होते हैं, अमर लोक में दैवी गुण वाले मनुष्य हैं, इसलिए उनको देवता कहा जाता है। यहाँ भी अच्छे स्वभाव वाले को कहा जाता है, क्या कहते हैं दुनिया में भी, यह तो जैसे देवता है। कोई बहुत मीठा स्वभाव वाला होता है तो उसको देखकर हर कोई कहता है यह तो जैसे देवता है। कोई दैवी गुण वाले होते हैं, इस समय सब है आसुरी गुण वाले मनुष्य, 5 विकारों में फंसे हुए हैं। तब गाते हैं,
इस दुख से आकर लिबरेट करो। कोई एक सीता को नहीं छुड़ाया। बाबा ने समझाया है, भक्ति को सीता कहा जाता, भगवान को राम कहा जाता, तो भगवान राम आता है सभी सीताओं को छुड़ाने के लिए। जो भक्तों को फल देने आता है, इस बेहद के रावण राज्य में सारी दुनिया फंसी हुई है, तो बेहद के रावण राज्य से सारी दुनिया की आत्माओं को छुड़ाते हैं और ले जाते हैं घर, उन्हों को लिबरेट कर राम राज्य में ले जाते हैं। परमात्मा राम आकर के सभी सीताओं को रावण राज्य से छुड़ा करके फिर ले जाएंगे, लिबरेट करेंगे, अपने घर ले जाएंगे और फिर राम राज्य में ले आते हैं। रघुपति राघव राजा राम की बात नहीं है, वह तो त्रेता के राजा थे। अभी तो सभी आत्माएं तमो प्रधान जर्जरी भूत अवस्था में है, सीढ़ी उतरते उतरते नीचे आ गए हैं, पूज्य से पुजारी बन गए हैं। देवताएं किसकी पूजा नहीं करते, वह तो है ही पूज्य। फिर वह जब वैश्य शूद्र बनते हैं तो पूजा शुरू होती है, वाम मार्ग में आने से पुजारी बनते हैं। पुजारी देवताओं के चित्र के आगे नमन करते हैं। इस समय कोई एक भी पूज्य हो नहीं सकता। ऊंचते ऊंच भगवान पूज्य, फिर है सतयुगी देवताएं पूज्य, इस समय तो सब पुजारी है। पहले पहले शिव की पूजा होती है, वह है अव्यभिचारी पूजा, वह सतो प्रधान, फिर सतो, फिर देवताओं से भी उतरकर जल की, मनुष्य की, पक्षियों की आदि पूजा करने लग पड़ते हैं। पहले श्रेष्ठ सतो प्रधान श्री लक्ष्मी श्री नारायण की पूजा, पहले तो परमात्मा की पूजा करते हैं, फिर सतो प्रधान लक्ष्मी नारायण की पूजा करते हैं, फिर सतो में श्री राम से सीता की पूजा करते हैं, फिर बाबा कहे उतरते उतरते फिर जल की, मनुष्य की, पक्षियों की, किस किस की पूजा करने लग पड़ते हैं। दिन प्रतिदिन अनेकों की पूजा होने लगती है। आजकल रिलीजियस कॉन्फ्रेंस भी बहुत होती रहती है, कभी आदि सनातन धर्म वालों की, कभी जैनियों की, कभी आर्य समाजियों की, बहुतों को बुलाते हैं, क्योंकि हर एक अपने धर्म को तो ऊंचा समझते हैं ना। हर एक धर्म में कोई ना कोई विशेष गुण होने कारण वह अपने को बड़ा समझते हैं। जैनियों में भी किस्म किस्म के होते हैं, 5-7 वैरायटी होंगी। उनमें फिर कोई नंगे भी रहते हैं, नंगे बनने का अर्थ नहीं समझते। भगवान वाच है, भगवान ने क्या समझाया है, नंगे अर्थात अशरीरी आए थे, फिर अशरीरी बनकर वापस जाना है। कहे वह फिर कपड़े उतार कर नंगे बन जाते हैं। भगवान वाच के अर्थ को नहीं समझते कि भगवान ने क्या कहा था, अशरीरी बनने के लिए कहा था, अशरीरीपन का अभ्यास करने के लिए कहा था, लेकिन उसके अर्थ को नहीं समझते। बाप कहते हैं तुम आत्माएं यहाँ यह शरीर धारण कर पाठ बजाने आई हो, फिर वापस जाना है, इन बातों को तुम बच्चे समझते हो। आत्मा ही पाठ बजाने आती है, झाड़ वृद्धि को पाता रहता है, नए नए किस्म के धर्म इमर्ज होते रहते हैं, इसलिए इनको वैरायटी नाटक कहा जाता है। वैरायटी धर्मों का झाड़ है। इस्लामी देखो कितने काले हैं, उन्हों की भी बहुत ब्रांचेस निकलती है, इस्लामियों की भी बहुत ब्रांचेस निकलती है। मोहम्मद तो बाद में आए हैं, पहले हैं इस्लामी। मुसलमानों की संख्या बहुत है, अफ्रीका में कितने शाहूकार हैं, सोने हीरो की खानियां हैं, जहां बहुत धन देखते हैं तो उस पर चढ़ाई कर धनवान बनते हैं।
क्रिश्चियन लोग भी कितने धनवान बने हैं। भारत में भी धन है परंतु गुप्त। सोना आदि कितना पकड़ते रहते हैं। अब दिगंबर जैन सभा वाले कॉन्फ्रेंस आदि करते रहते हैं क्योंकि हर एक अपने को बड़ा समझते हैं ना। बाबा कहे हर एक अपने को बड़ा समझते हैं ना। यह इतने धर्म सब बढ़ते रहते हैं। कभी विनाश भी होना है, कुछ भी नहीं समझते। सब धर्मों में ऊंच तो तुम्हारा ब्राह्मण धर्म ही है। ब्राह्मण भी धर्म है तो बाबा कहे सबसे ऊंचा तो सिर्फ ये तुम्हारा ब्राह्मण धर्म ही है, जिसका किसको भी पता नहीं है। कलियुगी ब्राह्मण भी बहुत है परंतु वह है कुख वंशावली ब्राह्मण। प्रजापिता ब्रह्मा के मुख वंशावली ब्राह्मण वह तो सब भाई बहन होने चाहिए। अगर वह अपने को ब्रह्मा की औलाद कहलाते हैं तो भाई बहन ही ठहरे, फिर शादी भी कर न सके। सिद्ध होता है वह ब्राह्मण ब्रह्मा के मुख वंशावली नहीं है, सिर्फ नाम रख देते हैं। वास्तव में देवताओं से भी ऊंच ब्राह्मणों को कहेंगे। चोटी है ना, ये ब्राह्मण ही मनुष्य को देवता बनाते हैं। पढ़ाने वाला है परमपिता परमात्मा। स्वयं ज्ञान का सागर है, यह किसको भी पता नहीं है। बाप के पास आकर ब्राह्मण बनकर फिर भी कल शूद्र बन पड़ते हैं। पुराने संस्कार पलटने में बड़ी मेहनत लगती है। अपने को आत्मनिश्चय कर बाप से वर्षा लेना है। संस्कारों को पलटने के लिए सबसे पहले अपने को आत्मनिश्चय करके फिर बाप से वर्षा लेना है। रूहानी बाप से रूहानी बच्चे ही वर्षा लेंगे। कौन सा वर्षा? रूहानी वर्षा है। और रूहानी वर्षा माना आत्मिक संपत्ति जो है, ज्ञान गुण शक्तियों की, वो वर्षा मिलता है। बाप को याद करने से ही माया विघ्न डालती है। बाप कहते हैं हथ कारड़े दिल यारड़े। यह है बहुत सहज, अर्थात हाथों से भले काम करते रहो, दिल परमात्मा में लगाते रहो। यह है बहुत सहज। जैसे आशुक माशुक होते हैं जो एक दो को देखने बिगर रह न सके। बाबा तो माशुक ही है, आशिक सब बच्चे हैं जो बाप को याद करते रहते हैं। एक बाप ही है जो कभी किसी पर भी आशिक नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि उनसे ऊंच तो कोई है नहीं जिस पर बाबा आशिक हो। बाकी हाँ, बच्चों की महिमा करते हैं। तुम भक्ति मार्ग से लेकर मुझ माशुक के सब आशिक हो। बुलाते भी हैं कि आकर दुख से लिबरेट कर पावन बनाओ। तुम सब हो ब्राइड्स, मैं हूँ ब्राइड ग्रूम। तुम सब आसुरी जेल में फंसे हुए, मैं आकर छुड़ाता हूँ। यहाँ मेहनत बहुत है। क्रिमिनल आय धोखा देती है, सिविल आय बनने में मेहनत लगती है। देवताओं के कितने अच्छे कैरेक्टर्स हैं। अब ऐसा देवता बनाने वाला जरूर चाहिए ना। कॉन्फ्रेंस में टॉपिक रखी है, बाबा कहे वो धर्म वालों ने कॉन्फ्रेंस में टॉपिक रखी है। क्या टॉपिक रखी है? मानव जीवन में धर्म की आवश्यकता। ड्रामा को न जानने कारण मुंझे हुए हैं। तुम्हारे सिवाय कोई समझा न सके कि मानव जीवन में धर्म की आवश्यकता क्या है। क्रिश्चियन अथवा बौद्धी आदि को यह थोड़ी मालूम है कि क्राइस्ट बुद्ध आदि फिर कब आएंगे। तुम झट हिसाब किताब बता सकते हो। तो समझाना चाहिए, धर्म की तो आवश्यकता है ना। पहले पहले कौन सा धर्म था? धर्म का अर्थ समझाना है, धर्म की परिभाषा बतानी है
और फिर सबसे पहला धर्म कौन सा था, फिर कौन से धर्म आए हैं, अपने धर्म वाले भी पूरा समझते नहीं है, योग नहीं लगाते, योग बिगर ताकत नहीं आती है, जौहर नहीं भरता, बाप को ही ऑलमाइटी अथॉरिटी कहा जाता है, तुम कितना ऑलमाइटी बनते हो, विश्व के मालिक बन जाते हो, तुम्हारे राज्य को कोई छीन न सके, उस समय और कोई खंड होते नहीं, अभी तो कितने खंड है, ये सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, 5,000 वर्ष का यह चक्र है, बाकी सृष्टि लंबी कितनी है ये थोड़ी नाप कर सकते, धरती का करके नाप कर सकते हैं, सागर का तो कर न सके, आकाश और सागर का अंत कोई पा नहीं सकते, तो समझाना है धर्म की आवश्यकता क्यों है, सारा चक्र बना ही है धर्मों पर, तो बाबा कहे ये चक्र समझाओ, यह है ही वैरायटी धर्मों का झाड़, ये झाड़ है अंधों के आगे आईना, तुम अभी बाहर सर्विस पर निकले हो, आहिस्ते आहिस्ते तुम्हारी वृद्धि होती जाती है, तूफान लगने से बहुत पत्ते गिरते भी है ना, और धर्म में तूफान लगने की बात नहीं रहती, उनको तो ऊपर से आना ही है, यहाँ तुम्हारी स्थापना बड़ी वंडरफुल है, पहले पहले वाले भगत जो है उनको ही आकर भगवान को फल देना है, बहुत पुराने भगत जो है उनको ही बाबा आकर भगवान आकर फल देता है, अपने घर ले जाने का फल भी कौन सा है, गति सदगति का, अपने घर ले जाने का बुलाते भी है, हम आत्माओं को अपने घर ले जाओ, यह किसको पता नहीं है कि बाप स्वर्ग का भी राज्य भाग्य देते हैं, सन्यासी लोग तो सुख को मानते ही नहीं, वो चाहते हैं मोक्ष हो, मोक्ष को वर्षा नहीं कहा जाता है, खुद शिव बाबा को ही पाठ बजाना पड़ता है, तो फिर किसको मोक्ष में कैसे रख सकते हैं, बाबा कहे स्वयं परमात्मा साक्षात उसको भी आना पड़ता है नीचे पाठ बजाने, वो भी सदा मोक्ष में नहीं रहता, तो बाकी किसको फिर मोक्ष में कैसे रख सकते हैं, तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां अपने धर्म को और सबके धर्मों को जानते हो, तुमको तरस पड़ना चाहिए, चक्र का राज समझाना चाहिए, बोलो तुम्हारे धर्म स्थापक फिर अपने समय पर आएंगे, समझाने वाला भी होशियार चाहिए, तुम समझा सकते हो कि हर एक को सतो प्रधान से सतो रजो तमो में आना ही है, अभी है रावण राज्य, तुम्हारी है सच्ची गीता जो बाप सुनाते हैं, भगवान निराकार को ही कहा जाता है, आत्मा निराकार गॉड फादर को बुलाती है, वहां तुम आत्माएं रहती हो, तुमको परमात्मा थोड़ी कहेंगे, परमात्मा तो एक ही है, ऊंचते ऊंच भगवान, फिर सब है आत्माएं बच्चे, सर्व का सदगति दाता एक है, फिर है देवताएं, उनमें भी नंबर वन है कृष्णा, क्योंकि आत्मा और शरीर दोनों पवित्र है, तुम हो संगम युगी, तुम्हारा जीवन अमूल्य है, देवताओं का नहीं, ब्राह्मणों का अमूल्य जीवन है, बाप तुमको बच्चा बनाए फिर तुम्हारे पर कितनी मेहनत करते हैं, देवताएं थोड़ी इतनी मेहनत करेंगे, वह पढ़ाने लिए बच्चों को स्कूल भेज देंगे, यहाँ बाप बैठ तुमको पढ़ाते हैं, वह बाप टीचर गुरु तीनों ही है, तो कितना रिगार्ड होना चाहिए, सर्विसेबल बच्चों को सर्विस का बहुत शौक होना चाहिए, बहुत थोड़े हैं जो अच्छे होशियार है तो सर्विस में लगे हुए हैं, हैंड्स तो चाहिए ना, लड़ाई के मैदान में जाने के लिए जिनको सिखाते हैं उनको नौकरी आदि सब छुड़ा देते हैं, उन्हों के पास लिस्ट रहती है,
फिर मिलिट्री को कोई रिफ्यूज कर न सके, कोई रिफ्यूज कर न सके कि हम मैदान पर नहीं जाएंगे। ड्रिल सिखाते हैं कि जरूरत पर बुला लेंगे, रिफ्यूज करने वाले पर केस चलाते हैं। यहाँ तो वो बात ही नहीं है, यहाँ फिर जो अच्छी रीति सर्विस नहीं करते हैं तो पद भ्रष्ट हो जाता है। सर्विस नहीं करते गोया आप ही अपने को शूट करते हैं, पद भ्रष्ट हो जाते हैं, अपनी तकदीर को शूट कर देते हैं। अच्छी रीति पढ़े, योग में रहे तो अच्छा पद मिले। अपने ऊपर रहम करना होता है, अपने पर करे तो दूसरे पर भी करे। बाप हर प्रकार की समझानी देते रहते हैं, यह दुनिया का नाटक कैसे चलता है, तो राजधानी भी स्थापन होती है। इन बातों को दुनिया नहीं जानती। अब निमंत्रण तो मिलते हैं, 5-10 मिनट में क्या समझा सकेंगे। धर्म सम्मेलनों में निमंत्रण मिलता है, लेकिन बाबा कहे 5-10 मिनट में क्या समझा सकेंगे। 1-2 घंटा दे तो समझा भी सकेंगे, ड्रामा को तो बिल्कुल जानते नहीं। पॉइंट्स अच्छी अच्छी जहां तहां लिख देनी चाहिए, परंतु बच्चे भूल जाते हैं। बाप क्रिएटर भी है, तुम बच्चों को क्रिएट करते हैं, अपना बनाया है, डायरेक्टर बन डायरेक्शन भी देते हैं, डायरेक्टर बन डायरेक्शन भी देते हैं, श्रीमत देते हैं और फिर एक्ट भी करते हैं, ज्ञान सुनाते हैं। यह भी उनकी ऊंचते ऊंच एक्ट है ना। ड्रामा के क्रिएटर, डायरेक्टर और मुख्य एक्टर को न जाना तो क्या ठहरा, उनको तो जानना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, इस अमूल्य जीवन में पढ़ाने वाले टीचर का बहुत बहुत रिगार्ड रखना है। पढ़ाई में अच्छा होशियार बन सर्विस में लगना है, अपने ऊपर आपे ही रहम करना है। दूसरी पॉइंट, अपने आप को सुधारने के लिए सिविलाइज्ड बनना है, अपने कैरेक्टर सुधारने हैं। मनुष्य को देवता बनाने की सेवा करनी है। आज की मुरली का मीठा वरदान है, संकल्प और बोल के विस्तार को सार में लाने वाले, संकल्प और बोल के विस्तार को सार में लाने वाले अंतर्मुखी भव। बाबा कहे, व्यर्थ संकल्पों के विस्तार को समेटकर सार रूप में स्थित होना तथा मुख के आवाज के व्यर्थ को समेटकर समर्थ अर्थात सार रूप में ले आना, यही है अंतर्मुखता। ऐसे अंतर्मुखी बच्चे ही साइलेंस की शक्ति द्वारा भटकती हुई आत्माओं को सही ठिकाना दिखा सकते हैं। यह साइलेंस की शक्ति अनेक रूहानी रंगत दिखाती है। साइलेंस की शक्ति से हर आत्मा के मन का आवाज इतना समीप सुनाई देता है जैसे कोई सन्मुख बोल रहा है। आज का स्लोगन है, स्वभाव संस्कार संबंध संपर्क। स्वभाव संस्कार संबंध संपर्क में लाइट रहना अर्थात फरिश्ता बनना। स्वभाव संस्कार संबंध और संपर्क में लाइट रहना अर्थात फरिश्ता बनना। अच्छा, ओम शांति।